Yes, three of us on the screen. Hello, oh my hello. gosh. Hi, hi Ashish. मैं एकदम बढ़िया, आप बताओ। ओके आशीष, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, मैं बता दूं, वैसे तो आप सब लोग जानते हैं आशीष के बारे में, बट उन्होंने 200 से ज्यादा डॉग्स की लाइफ को पूरी तरीके से चेंज किया है, रेस्क्यू किया है, वो एनवायरमेंट के लिए इतना सारा काम करते हैं, आर्किटेक्चर स्टूडेंट है और उसके बाद भी सोशल वर्क कर लेते हैं, उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं। मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट है ये। बच्चे ज्यादातर कॉलेज जाते हुए सोचते हैं कि नहीं, हम तो सिर्फ पढ़ लें वही बहुत है, लेकिन देखो इनसे सीखने के लिए कितना कुछ है कि वो इतना सब कर रहे हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड लेट्स वेलकम आवर रियल हीरो आशीष जोशी। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच आशीष, आप हमारे चैनल पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा एंड वी आर सो प्राउड टू हैव यू हियर। एंड आपको बता दूं मैं सुरुचि कि आशीष बहुत जगह फीचर्स हुए हैं, बहुत फेमस न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द बेटर इंडिया, अर्बन एशियन, और बहुत सेलिब्रिटीज से इन्हें रिकॉग्नाइजेशन भी मिली है, जैसे कि जैकलिन फर्नांडिस, डॉली सिंह, अनन्या पांडे, और इन्होंने, इनका काम इन्हें एनिमल प्लैनेट इंडिया तक भी ले गया है, और बहुत सारे आर्टिकल्स इनके बारे में न्यूज़पेपर में आए दिन छपते रहते हैं। और इसके अलावा स्ट्रे डॉग्स को रेस्क्यू करने के अलावा इन्होंने 3 डेंस फॉरेस्ट क्रिएट किए हैं सिर्फ पिछले लास्ट 3 सालों में। इज़न्ट दैट अमेजिंग आशीष, यू आर अ सुपर ह्यूमन, एज मैंने कमेंट किया था, सीरियसली सीरियसली विद अ क्यूट स्माइल With a cute smile, बिल्कुल। तो आशीष से मेरा पहला सवाल इसी चीज से रिलेटेड है कि एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट है, ठीक है, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम, ये कब आपको आइडिया आया, कब आपने सोचा कि यस द डॉग नीड्स यू? आपकी प्रोफाइल देखे तो ऐसा लगता ही है कि हाँ, यू एंड डॉग मतलब मेड फॉर ईच अदर, एकदम उनको आपकी जरूरत है, आपको उनकी जरूरत है, बहुत ब्यूटीफुल प्रोफाइल। बट ये आपको कब लगा कि आपको इसको एज अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाना है, ऑफिशियली इसमें इंडल्ज होना है, सीरियसली इसके लिए काम करना है, इसके बारे में बताइए। क्या होता है, हम डे टू डे लाइफ में ये सब चीजें नोटिस करते हैं कि अपने आजू बाजू क्या हो रहा है। रात में हम लोग सोने जाते हैं तो कोई बाहर डॉग चिल्ला के कि या भौंकने की आवाज आती है तो हम लोग जस्ट इग्नोर कर देते हैं, बट बाहर कुछ तो उनके लाइफ में चल रहा है तो वो चिल्ला रहे हैं या भौंक रहे हैं या फिर डर के यहाँ वहां भाग रहे हैं, तो कुछ तो रीजन रहेगा ना उसके पीछे। तो ये हम लोग छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करेंगे ना तो काफी चीजें समझ में आती है। उनके लाइफ में बेसिक सर्वाइवल के लिए ही स्ट्रगल है तो, और हमारे लिए देखो हम लोग ने एक एक स्मूथ बनाया है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, सॉर्टेड है इंसानों की लाइफ तो एज कम्पेयर टू स्ट्रे एनिमल्स। तो हम अगर हमारी लाइफ सॉर्टेड जी रहे तो वाई डोंट वी मेक देयर लाइफ सॉर्टेड टू। तो यही एक मोटिव है, ज्यादा से ज्यादा डॉग्स को एक अच्छी लाइफ और अच्छा हेल्थ दे पाऊं, और वही ट्राई चल रहा है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल थॉट है आशीष, और इतना डीपली आई थिंक सब लोग नहीं सोचते हैं, क्योंकि घर के बाहर कुत्ता अगर भौंक रहा है तो बेसिकली या तो कोई ध्यान नहीं देता या इग्नोर कर देता है, दरवाजा बंद कर देता है, कोई भी इतना डीपली इतना उनके बारे में नहीं ये सोचता है कि हाँ दे नीड समथिंग। तो आशीष, जब आपने ये डिसाइड किया कि आपको इनके लिए डेडिकेट करना है अपनी लाइफ को, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? एज यू आर एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स का कभी भी बच्चा कोई काम करता है ना तो कभी भी उसको अपोज नहीं रहता है, बस उसका पॉइंट ऑफ व्यू पेरेंट्स लोग का ये रहता है कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए, कहीं पढ़ाई में कम ना पड़ जाए, कहीं पढ़ाई पीछे ना छूट जाए, क्योंकि क्या होता है कि पढ़ाई जब तक कंप्लीट नहीं है तब तक हम लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते, और फिर हमारा ड्रीम जो भी हो, हमको सिविल सर्विस में जाना है या फिर जो भी हमको लाइफ में अचीव करना है, तो वो हम लोग अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते तो जाके ही वो अचीव होने वाला है। और एजुकेशन एक बेसिक चीज है, अगर वो नहीं होगा तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता आज के कंडीशन में। तो उनका घर वालों का यही कहना रहता है कि एजुकेशन भी कंप्लीट करो, एजुकेशन का फोकस भी हटना नहीं चाहिए। तो अगर वो पकड़ के अगर कुछ और है, अदर एक्टिविटीज चल रही है, तो दैट विल बी अ गुड पार्ट।
बस वो मैनेज करना है, वो बैलेंस मेंटेन रखना है, और टचवुड सब बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। सब सब अच्छे एकदम मस्त लोगों के चल साथ, रहा है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है हमेशा की सुरुचि। बिल्कुल व्यूवर्स, आप लोग इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हम आपके सारे क्वेश्चंस एंटरटेन करेंगे, लेकिन हमारे व्यूवर्स फॉलोवर्स वाले सेगमेंट में, उसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए, पहले हम अपने वाले क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आशीष से। आशीष, मेरा अगला सवाल यह है कि जब आपने स्टार्ट किया, पहली बात तो आप पर्टिकुलर किस ईयर में आपने स्टार्ट किया ये बताइए, और जब आपने शुरुआत की तब शुरू शुरू में लगा नहीं, किसी ने बोला नहीं कि नहीं क्या कर रहे हो, या आपने उस चीज को कैसे हैंडल किया, और कैसे काम करते हैं आपका ये जो पूरा ग्रुप आपने जो बनाया है, अपनी फैमिली बनाई है, ये कैसे काम करता है? ये स्टार्ट हुआ था जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। मैं ट्यूशन जाता था, तो ओ वो टाइम में एक हमारे ट्यूशन के पार्किंग में एक फीमेल डॉगी थी, तो उसने बच्चे दिए थे। तो वी यूज टू फीड हिम, छोटे छोटे बच्चों को, वो मम्मी को, तो वो टाइम बिस्किट देना या फिर जो भी पॉसिबल है, जो भी मिलता है अपने को घर से, तो उसमें से कुछ अपन दे सकते हैं क्या उसको, तो वो ट्राई करते थे। बट एक दिन हमारे सामने मैं और मेरा दोस्त, हम लोग ट्यूशन से बाहर निकले और एक गाड़ी ने रोड क्रॉस करते समय टाइम वो फीमेल डॉग को टक्कर दे दी, तो उसमें वो सरवाइव नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली। तो उसके पप्पीज तो उस पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट थे, तो ऐसी कंडीशन में वो पप्पीज तो मतलब नहीं हो पाता था उनका कुछ। तो थॉट आया कि अभी ये लोग को कौन देखेगा, तो मैं सबको घर पे लेके आया, 3 पप्पीज थे वो, तो तीनों को घर पे लेके आया। फिर घर पे थोड़ा घर वाले परेशान हो गए कि 3 3 पपीज लाए, कहाँ से लाए, अपने को एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर 3 पपीज को रखेंगे कैसे, क्या करेंगे। तो देवर लाइक कि नहीं हो पाएगा अपने से, उनका बहुत करना पड़ता है छोटे बच्चे जैसा, तो अगर तू कर पा रहा है तो देख। बट अभी बोर्ड एग्जाम्स है, 10th है, फिर अभी 12th है, तो फिर वो कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था। फिर एट द एंड ऑफ द डिस्कशन एक डील हुआ कि अगर मैं अच्छे मार्क्स लाता हूँ तो सब घर पे रहेंगे, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते तो पप्पीज के साथ मैं भी रोड पे। अरे तो बाप रे, ये ऐसे शुरू तो हुआ बड़ा ये, देखो कितनी डेडिकेट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वही थोड़ा जी वो डील था, फिर वो सॉर्ट आउट हो गया। 10th में अच्छा स्कोर आया और सब। फिर वो एक पपी उसमें से मैंने रखा, और बाकी जो 2 पपीज है वो अभी भी मेरे दोस्त के पास है। तो ऐसे 3 जन है हम, और वो आज भी मिलते वाह, हैं। अमेजिंग। और जब आपके पास ऐसा कोई रेस्क्यू के लिए, हेल्प के लिए कोई कॉल आता है, तब आप उसको हेल्प कर पाते हैं, तो आपकी पूरी 3 लोग ही हैंडल कर रहे हैं, या कितने लोगों की टीम है, आप कैसे, प्रोसेस क्या है पूरा? नहीं, हम लोग एक्चुअली 3 दोस्त हैं, मैं, मेरा दोस्त चिन्मय और आदिनाथ, हम तीनों दोस्त हैं। तो मेरा फुल टाइम रहता है, और आदिनाथ और चिन्मय जो है, आदिनाथ का भी फुल टाइम रहता है, बट करंटली ही इज अंडर इंटर्नशिप फेज, तो ही इज नॉट एबल टू अटेंड सम काइंड ऑफ रेस्क्यूज एंड वर्क जस्ट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। बट कुछ इमरजेंसी रहता है तो डेफिनेटली वी आर ऑल टुगेदर 24/7। अभी परसों का ही सीन है, कल कल का ही सीन है, एक कैट 30 30 35 फीट ऊपर अपने यूकेलिप्टस के ट्री पे फंस गई थी। तो फिर फायर ब्रिगेड की हेल्प से फिर हमने उसको सेफली नीचे उतारा, हाँ, और अभी वो है जो उसके आपने घर में। स्टोरीज में डाला था। हाँ यस, स्टोरीज में जो था। वाह, हाउ स्वीट, कितना वेरी गुड। इंस्पिरेशनल है ये तो। हाँ बिल्कुल, एंड यू नो इतना डीपली सोचना, आई उससे पहले भी काफी लोग गुजर गए होंगे वहां से कि कैट है, यूकेलिप्टस पे है, उतर जाएगी कभी भी, राइट? वहां पे जो बट भीड़ इस जमा थी, देवर लाइक कि हम लोग नीचे से झाड़ काट देते, बिल्ली ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। बट ऐसा थोड़ी होता है, वो 50 60 साल का झाड़ ऐसे 2 मिनट में कट कर दिया, तो राइट झाड़ प्रैक्टिकली पॉसिबल था झाड़ नहीं। मतलब आप एक बिल्ली को तो चोट लगेगी लगेगी, ऊपर से एक पेड़ इतने साल पुराना है वो भी कट जाएगा। हाँ तो इनसेंसिटिविटी कहूंगी मैं इसे, बहुत ज्यादा।
तो आशीष ये बताइए कि आप मतलब आर्किटेक्चर स्टूडेंट हैं, आर्किटेक्चर इज इटसेल्फ अ वेरी टफ कोर्स, उसके साथ साथ आप अपना पूरा ये डेडिकेशन से सोशल वर्क भी कर रहे हैं, कभी कभी रात रात भर आपको हॉस्पिटल में भी रहना पड़ता होगा इंजरीज के साथ साथ, तो कैसे आप बैलेंस कर रहे हैं अपनी ये स्टूडेंट लाइफ प्लस सोशल वर्क लाइफ? नहीं, जब आपको कुछ अचीव करना है ना तो कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, टू बी ऑनेस्ट। तो पर्सनल लाइफ ऐसा कुछ मैं सोचता नहीं कि मेरा पर्सनल लाइफ खराब हो रहा है या फिर मेरा पर्सनल लाइफ कुछ आगे ही नहीं जा रहा है। तो जो भी काम चल रहा है दैट इज़ ओनली माई पर्सनल लाइफ। तो अगर वो ऐसा नहीं सोचेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरा सोच वही है कि ऐसा पर्सनल लाइफ वगैरह ये सब मिथ्स है। अगर जो अपना काम होता है वही एक्चुअली अपना पर्सनल लाइफ होता है। ऐसे काम अलग और पर्सनल लाइफ अलग करेंगे तो काम भी नहीं होगा और पर्सनल लाइफ भी नहीं कुछ रहेगा। अलग नहीं मानते वेल हैं, सेड। एक ही मानते हैं दोनों एक चीजों को। वेरी वेरी ही नाइस, है, वेरी राइट। इंस्पिरेशनल। और तो आशीष, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या इंक्लूड है, क्या कहाँ देखते हैं आप अपने आप को कुछ सालों बाद, क्या करना है आपको लाइफ नहीं, आगे का सोचेंगे ना तो आज का दिन भी खराब हो जाएगा। आगे का सोचते सोचते में? लिव इन दिस मतलब मोमेंट आपको करो। इसी को कैरी ऑन कर करके और आगे तक लेके जाना है विद योर प्रोफेशन। यस, डेफिनेटली प्रोफेशन तो मैं ये आगे डेफिनेटली लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जो प्रोफेशन है उस पे ही सब फाइनेंशियल वर्क चलता है। तो प्रोफेशन इज द बिल्कुल। की ऑफ ऑल द वर्क, कोर पार्ट है वो। और रही बात प्लांटेशन या फिर बाकी सब चीजों की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक मोमेंट के बाद वो लोग के लिए कुछ कॉन्क्रीट आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली दिखेंगे। तो चालू है उस पे काम, तो एक 2-3 साल बाद शायद वो पूरा हो जाए। चलो वेरी नाइस। और जैसे आप स्ट्रे एनिमल से जुड़े हुए हैं, फिर आप ये एनवायरनमेंट से भी जुड़े हुए हैं, और भी कुछ है आपके प्लान्स में शामिल जो आप और कुछ इंक्लूड करना चाह रहे हो अपने इसमें वर्क, सोशल वर्क में? जो जो इंसानों से अफेक्टेड जो जो भी चीज़ है विद रिस्पेक्ट टू मदर नेचर, तो वो सब चीज़ें हम लोग जितना पॉसिबल है उतना कवर अप करने की कोशिश करने का ट्राई करते हैं। कि जैसे प्लांटेशन हो गया, ये बायोडाइवर्सिटी हो गया, या फिर कोई बिल्कुल। एक पर्टिकुलर एरिया का इकोलॉजी है वो खराब हो चुका है पोल्यूशन की वजह से या फिर लैंडफिल्स की वजह से, तो वो भी क्लीन अप करके। जो एक सबसे पहला वाला डेंस फॉरेस्ट है तो वो एक डंपिंग ग्राउंड बनने वाला था, वहाँ पे डंपिंग साइट भी हुआ था। बट वहाँ के लोगों ओ को रिक्वेस्ट करके उनको प्रपोजल दिया कि आपको डंपिंग प्रेफर्ड है या फिर एक क्लीन स्पेस प्रेजेंट प्रेफर्ड है जहाँ पे दैट कैन बी ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो पीपल एग्रीड ऑन दैट एंड फिर उनको इतना आइडिया नहीं था कि बच्चे, उनको लगा 10-15 झाड़ लगा देंगे बात खत्म कर देंगे, बट वहाँ पे हाँ 350 झाड़ लग गए। अभी वो लोग भी हाँ मतलब पॉजिटिव है, बट उनको लगा नहीं था कि इतने झाड़ लग सकते, पॉसिबल हो सकता है। तो आर्किटेक्चरल नॉलेज वहाँ यूज आ गया, और फिर लेआउट वगैरह बना के प्रॉपर प्लानिंग के साथ 3 साल में हाँ एक जंगल वो बन मैंने गया। वीडियो देखा कि आपने बड़े ब्यूटीफुली पेड़ जो है प्लांट किए हुए हैं आसपास, पूरा व्हाइट पत्थर ऐसे कर करके लगाए हुए हैं, वो वाला भी यस गार्डन यस वाला यस भी, बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके, मतलब वाह, काम किया है दिल लगा के। बिल्कुल। तभी तो इतना अच्छा नतीजा आता है, जब पूरा दिल लगा के काम करते हैं तभी सामने आता है रिजल्ट, है ना। चलिए आशीष, सो आपने स्ट्रे डॉग की बात की, जितने भी जो ये स्ट्रीट पे डॉग्स रहते हैं इनकी लाइफ वैसे बहुत मिजरेबल है, खाने की भी दिक्कत है और भी सारी परेशानियां है, पर इनमें एक मेजर इशू आता है एक्सीडेंट का। हाईवे पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये समस्या कैसे हम लोग एक आम आदमी भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, कैसे सुलझाएं इस समस्या को? देखो, अभी वो एक जानवर है और अगर हम लोग को कुछ इश्यूज उनके सॉल्व करने हैं उनके लाइफ में, तो हमको भी वो ही वे में सोचना पड़ेगा जो वे में एक डॉग सोचता है। अगर वो रोड क्रॉस कर रहा है तो रोड क्रॉस करने के पीछे के रीजंस क्या है उसके, उसका वाटर सोर्स वहाँ पे, खाने की तलाश में रोड क्रॉस कर रहा है, ये टेरिटोरियल फाइट्स है, खाने के चक्कर में वो एक टेरिटरी छोड़ के दूसरे टेरिटरी में गया है और दूसरे टेरिटरी वाले डॉग्स उसके पीछे पड़े हैं या फिर वो वापस जाना चाहता है, तो कुछ तो रीजन रहेगा बिल्कुल। ना। अभी क्या होता है कि हम लोग जब हाईवेज बनाते हैं तो वाटर सोर्स एक जगह पे हो जाता है, फूड सोर्स एक जगह पे हो जाता है,
तो वो पूरा जो इकोसिस्टम है वो दो पार्ट्स में डेवलप हो जाता है। तो अगर आप सोचो कोई फॉक्स या फिर एक रैबिट जो है वाइल्ड रैबिट है, तो उसके लिए अगर एक हाईवे क्रॉस करना इज लाइक कोई एक बड़ा माउंटेन है जो ट्रैक करने के है, उसको ऊपर चढ़ के फिर से नीचे जाना है। तो और वो नेचुरली भी कैसा है कि वो व्हीकल्स आना जाना, फिर वो वाइब्रेशंस, तो हिम्मत नहीं कर पाते छोटे जानवर, जैसे फॉक्स हो गया, स्पॉटेड हाइना हो गया, स्नेक्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। तो आप बता रहे थे कि कितना मुश्किल है स्नेक के लिए और रैबिट के लिए या किसी भी जानवर के लिए हाईवे से क्रॉस करना, तो हमें ऐसे ही हाईवे बनाने चाहिए उसी हिसाब से। डेफिनेटली, और हो रहे वैसे हाईवेज बन रहे। ही हैज ऑलरेडी आंसर्ड दैट कि कैसे हाईवेज बन रही हैं और उनमें क्या चीज ओ मैन्युफैक्चर की जा रही है, क्या ओके 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 राइट जिससे कि वो लोग बचे जा सके। राइट तो ये होना बहुत जरूरी है। और अब क्योंकि यूथ एंड एवरीवन, मैं बात करूंगी कि थोड़े सेंसिटिव हो गए हैं इस कंटेंट को लेके, एनवायरनमेंट को लेके। बहुत सी स्पीशीज हैं जो कि इंस्टिंक्ट हो रही हैं, तो उन चीजों को लेके भी थोड़ा सा वो लोग सेंसिटिव हो रहे हैं। अच्छा यस आशीष, यस मैं बात अब मैं बात करूंगी, जैसे आप इतना सब मैनेज करते हो डॉग्स एंड ऑल, मैं खुद भी, मैं 20 से 25 स्ट्रे डॉग्स मैं भी पाली हुई हूँ, तो डीपली पता है कि बहुत ज्यादा खर्चा होता है इन सब चीजों को लेके। एंड पेडिग्री स्पेशली, मैंने देखा है कि आप लोग, आप बहुत पेडिग्री खिलाते हो ना उन लोगों को, पेडिग्री भी बहुत कॉस्टली आता है। तो उनके वैक्सीन, उनका रहन सहन, उनका हर चीज में बहुत सारा खर्चा आता है। तो आप फंड्स कैसे मैनेज करते हैं इस चीज को लेके? तो एक पर्टिकुलर दिमाग में क्वांटिटी रहता है। जैसे अपने पेरेंट्स जब बच्चे छोटा रहता है तो वो लोग का एक रहता है कि बेटी है तो बेटी की शादी के लिए इतना अमाउंट में अभी से रखता हूँ, तो 15 साल बाद वो मल्टीप्लाई होते जाएगा। या फिर बच्चा है या फिर कोई तो घर का और एक मेम्बर है छोटा, तो नहीं उसको मुझे मेडिकल में भेजना, मेडिकल में डालना, मेडिकल फील्ड में। तो पेरेंट्स लाइक कैसे कि पहले से अमाउंट एक बाजू में रखते हैं और फिर वो कंपाउंड होते जाते हैं। तो वैसा ही अगर हम लोग स्टार्टिंग से सोचेंगे ना, भले ही वी आर फीडिंग 2 डॉग्स और 3 डॉग्स और 5 डॉग्स, नंबर डजेंट मैटर, बट वही एक कंपाउंड वाले कैलकुलेशन से चलेंगे ना, तो कल जाके अपने को कोई इमरजेंसी भी आता है तो अपने पास कुछ बैकअप चाहिए, अपने पास कुछ सपोर्ट चाहिए। तो हम लोग किसी पे रिलाय नहीं कर सकते, किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो व्हाट वी कैन डू, तो हम लोग जो फील्ड में एजुकेशन हमारा है तो वो फील्ड में कुछ ज्यादा काम कर सकते हैं ना। अगर ऑफिस बिल्कुल, 4 घंटे में हम लोग काम कर रहे हैं तो ऑफिस में 8 घंटे काम करेंगे तो मतलब कि आप ऑटोमेटिकली। बोलिए। मेरा पर्सनली ये मानना है कि हम लोग जितना ज्यादा मतलब खुद को वो चीज में एक टारगेट देके ये पुश करेंगे तो दैट विल बी मोर बेटर। मतलब कि आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं सारी फंडिंग, डेफिनेटली, यस है यस ना, यस कि मैं ही करूंगा, मुझे ही करना है एनी हाउ। अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहे, कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? हाँ, वो लोग डॉग फूड या फिर जो भी मेडिसिन रहते हैं तो वो लोग डायरेक्ट वो भेज सकते हैं, तो दैट विल बी इजी ऑप्शन। एंड जब और वैक्स जैसे के, कोई, हाँ यस यस, मेरा सेम क्वेश्चन पूछो सेम स्लोली। क्वेश्चन। तो आपके वैक्स यस के साथ भी कनेक्शंस होंगे, तो उनके साथ आपने टाई अप किए होंगे? टाइप नहीं बोल सकते, जब दो एक मोटिव लेके दो आदमी जब अगर एक साथ में आ जाते तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बस दोनों देखते हैं वो चीज को तो वो ऑटोमेटिक प्रोसीड हो जाते हैं। वाह, तुमको क्या करना है, मुझे क्या करना है, साथ में मिलके क्या कर सकते हैं, और थिंग्स वर्क आउट। तो मुझे काफी अच्छे और एकदम मतलब कोऑपरेटिव और बेस्ट मेट्स मिले। एक गवर्नमेंट के वेट से जोशी सर है, ढिगोड़े सर है, बाद में समृद्धि मैम है, पीयूष सर है, तो ये सब डेडिकेटेड मेंबर्स है, इसीलिए ये सब काम चलते हैं। और स्पेशली यंग लोग जो है, यंग वेट्स, तो दे आर वेरी डेडिकेटेड। टचवुड वो मुझे मिले और उनका मोटिव मेरा मोटिव एक ही है, तो दे डेफिनेटली एंजॉय द वर्क एंड काफी कोऑपरेट करते हैं। और मतलब मैं कहता हूँ कि वो लोग नहीं है तो फिर रेस्क्यूअर्स भी कुछ नहीं है, तो यंग वेट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और टचवुड मुझे पता है सब थोड़ा अच्छे बहुत। मिले और एकदम वाह, डेडिकेटेड।
अच्छा आपके शेल्टर जहाँ पर है, डॉग शेल्टर है, वहां पे कैसा कैसा माहौल होता होगा? क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे एक डॉग को हम कुछ दिन रखते हैं, कोई दूसरा डॉग थोड़े दिन बाद आ जाता है ना, तो आपस में एकदम उन लोग का थोड़ा रहता है कि हाँ मेरा स्पेस लेने आ गया ये वाला डॉग, तो कैसा हाँ, रहता टेरिटोरियल है वहां का एनवायरमेंट? होता है। हाँ हाँ, टेरिटोरियल हो जाता है। यस, नहीं आप कभी मेरे डॉग्स को ऐसे शेल्टर में या फिर किसी केज में नहीं देखोगे। यूजुअली मैं डॉग्स मेरे ट्रीज में रखता हूँ, नेचुरल ओके एटमोसफेयर में रखता हूँ। क्या हो जाता है वो आर्टिफिशियल एम्बियंस में आते हैं तो रिकवरी का टाइम ज़्यादा लग जाता है उन लोग को। अगर हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते तो हमारा मेंटेलिटी सोचो ना यार, कब घर पे होंगे, कब घर जाऊंगा, तो हम लोग वो सोच राइट में रहते। अगर वो भी एक उनका टेरिटरी छोड़ के बाहर की कई जगह पे एडमिट होते हैं या फिर बंद हो जाते हैं, अंडर ट्रीटमेंट रहते हैं, तो दे आल्सो फील द सेम कि यार गड़बड़ हो रहा है, ये सब अपने साथ कुछ तो गलत हो रहा है, या फिर अपने साथी का है, अपना टेरिटरी का है, तो फिर वो मेंटली स्टेबल नहीं रहते वो चीज़ कि शेल्टर में रखो। तो आई डोंट प्रेफर दैट थिंग। तो मैं उनको मेरे ट्रीज में रखता हूँ या फिर जो पर्टिकुलर उनका टेरिटरी है वही ट्रीट करता हूँ। उसका बेनिफिट ये है कि 5 दिन में ठीक होने वाला डॉग 2 दिन में ठीक हो जाता है, क्योंकि ही इज मेंटली बिल्कुल ऑलरेडी हेल्दी, मेंटली स्टेबल है वो। वेरी यूनिक ये, क्योंकि मैं अभी तक बहुत सारे डॉग्स और ये सब चीजों में मैंने देखा, लेकिन ये वाला जो थॉट है ना बहुत स्वीट और यूनिक है, एंड एंड बहुत ही वो है, एक रिकवरी के लिए, एक डॉग की रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। मतलब कितना वो सिंपल है, लेकिन लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि हाँ उनको नेचुरल चीज ज्यादा जल्दी हीलिंग देगी। अच्छा, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आशीष, कि आपकी बातों से लग रहा है कि मतलब आप एक डॉग की मेंटेलिटी और साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं कि वो क्या फील कर रहा है। आप कनेक्ट कर लेते हैं कि जैसे इंसान सोचता है वैसे ही उसके नजरिए से भी सोचो, आपसे जितनी भी अभी तक लाइव में बातें हुई है। कोई ऐसा इंसिडेंट जिस वजह से आपने ये ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली आपको हुआ है ये, लेकिन कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसमें आपने हाईली कनेक्ट किया हो डॉग की मेंटेलिटी के साथ? नहीं देखो, जब भी कोई रेस्क्यू कॉल रहता है या फिर कोई रेस्क्यू का सिचुएशन रहता है, तो पहले वो रेस्क्यू वाला बैकग्राउंड हम लोग जब तक जान नहीं लेते कि एग्जैक्टली उसके साथ हुआ क्या था, वो डॉग का बैकग्राउंड क्या है या फिर वो डॉग का नेचर कैसा है, तब तक हम लोग वो चीज़ में सक्सीड नहीं हो पाएंगे। अगर हम लोग रैंडमली आ रहे हैं, रैंडमली उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही हमारा मोटिव अच्छा है या फिर हमारा अटेम्प्ट एक गुड कॉज को लेके, नोबल कॉज को लेके, बट वो जानवर ये नहीं समझ पाते ना कि हम लोग को बचाने आए हैं। तो वो लोग डरे हुए अगर, होते हैं वैसे ही। हाँ हाँ वो ऑलरेडी डरा हुआ है, वो ऑलरेडी स्ट्रेस में है, तो और हम लोग जाके वहां पे हमारे प्रेजेंस से और स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, तो ये चीज बिल्कुल कभी वर्कआउट नहीं करेगी। तो कभी भी उसका बैकग्राउंड जान के, उसका बिहेवियरल चेंज, उसका कंडीशन कैसा है, कितने दिन से फंसा है या फिर कितने दिन से वो प्रॉब्लम उसको फेस हो रहा है, तो ये सब चीजें अगर हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे तो रेस्क्यू करना और उसको हैंडल करना कंफर्टेबल वे में उसकी तरीके से और बेहतर रहेगा। और वो चीज काफी मायने करती है, क्योंकि विद द टाइम ऑफ रेस्क्यू वो जान छोड़ सकता है, अपने पे अटैक कर सकता है, सेल्फ सेल्फ डिफेंड, खुद को डिफेंड करने के चक्कर में कुछ भी हो सकता है, हम भी फंस सकते हैं वो चीज में। तो हमको उसका ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है, और उसको सेफली वहां से बाहर निकलना है और अपने को भी आना है। नहीं तो कुएं से डॉग निकल ले, हम लोग के डॉग ऊपर आ गए, हम नीचे फंस गए, या फिर डॉग के साथ हम भी डूब गए। तो चीजें स्ट्रेस्ड रहती है, इमोशन में डिसीजन लेंगे तो गड़बड़ हो जाता है। तो ठंडे दिमाग से सोच के फिर डिसीजन लेना है और फिर अंदर जाना है। अच्छा, एक बात बताइए आशीष, आपकी इतनी सारी मीडिया कवरेज हुई है, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने आपको रिकॉग्नाइज किया है, ये सोशल मीडिया पे आपका बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है आजकल, लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इसको आप कैसे लेते हैं? आई मीन, ये मोटिवेट करता है आपको? आपको कैसा, क्या फील होता है बेसिकली जब आपको कवर किया जाता है? ये एक मेरा जो सोशल मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं ये सोचता हूँ कि जितना अवेयरनेस मैं स्प्रेड कर पाऊंगा तो उसको रीच सोशल मीडिया देता है। जैसे कि अभी मैं और मेरा एक फ्रेंड सर्कल था पर्टिकुलर, मेरे लोकेलिटी वाला या फिर मेरे कॉलेज का या फिर जो मेरे काम से कनेक्टेड है वो लोगों का, तो पहले मेरे पास एक इंडी था,
और एक दो दोस्तों के पास इंडी था, तो वो उतना मैटर नहीं, इफेक्ट नहीं दिख रहा था, काम तो चल रहा है सब, इफेक्ट नहीं आ रहा है। बट अभी जितने भी एक कम्युनिटी क्रिएट हुआ है, और हर कम्युनिटी के एक एक मेंबर के पास एक इंडी तो है, तो विच मेक्स रियली डिफरेंस। फिर वो हैदराबाद से हो, या फिर वो नॉर्थ ईस्ट से हो, या फिर वो दिल्ली से हो, उसने वो एक इंडी अडॉप्ट किया है, और कुछ तो कहीं ना कहीं थ्रू आउट द इंडिया अपने मैसेज एक छोटे स्केल में जा रहा है, तो दैट राइट गिव्स यू अ लिटिल सेटिस्फेक्शन एट द एनी कॉर्नर ऑफ योर हार्ट। तो वो चीज मेरे लिए ज्यादा मैटर करती है कि एक अवेयरनेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड होना चाहिए, और वो लोग का लाइफ कहीं ना कहीं दुनिया के किसी भी कोने में अगर इजी होता है तो वो एक छोटा सा सक्सेस है अपने लिए। अच्छा एक बात बताइए आशीष, अभी मेरे को एक सडनली ऐसी क्वेश्चन आया कि अगर हम रेस्क्यू की बात करें तो ये इंडिया में आपको ऐसा भी है कि जो लोग वॉलेंटरी सीखना चाहते हैं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो आपको सिखाए, जैसे आपको बहुत एक्सपीरियंस है कि कैसे एक डॉग को रेस्क्यू किया जाए, क्या क्या पॉइंट्स अपने दिमाग में होने चाहिए, आप इमोशनल होके नहीं डिसीजन ले सकते, ऐसी कोई इंस्टीट्यूट है जहां पर लोग सीख सकते हैं कि रेस्क्यू कैसे करना है, कोई ऐसी ट्रेनिंग है? अब नहीं है तो आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा होना चाहिए या आप ऐसा कुछ स्टार्ट करने के मूड में है कि आप थोड़ा ट्रेनिंग दे लोगों को ताकि और लोग भी जो ये काम करना चाहते हैं उनको आसानी हो सके कल की डेट में? नहीं देखो, अभी क्या होता है यूजुअली, अगर किसी को काम करने का है वो चीज में, या फिर कोई भी नोबल कॉज अगर कोई आदमी कर रहा है, तो पहले क्या होता है कि वो कोई एक आदमी ऐसा सर्च करता है कि जो वो ऑलरेडी वो डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर वो ऑलरेडी वो डायरेक्शन में एक मोमेंट तक एक मुकाम तक पहुंचा है, तो अगर हम लोग उनका गाइडेंस लेते हैं या फिर उनके टच में रहते हैं तो काफी सारी चीजें इमरजेंसी सिचुएशंस वगैरह वो सॉर्ट हो सकती है। बट जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं लेंगे ना, तो ये सब टेक्निकल चीजें हमको नहीं समझ में आएगी। अभी मैं यहाँ से कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट वहाँ पे वो प्रैक्टिकली वर्क होंगी ये बोल नहीं सकते हम लोग, वहाँ की सिचुएशन अलग है। आप मुझे एक सिचुएशन दे रहे हो कि एक डॉग एक कुएं में गिर गया है 2 दिन से, तो उसे निकालना है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते, क्या निकाल सकते, तो मैं यहाँ से एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ, बट एक्चुअल वो डॉग का कंडीशन फिजिकल मेंटल कैसा है ये मुझे यहाँ बैठ के मालूम नहीं है। तो जो नीचे जाने वाला पर्सन है तो उसको वो चीज़ प्रैक्टिकली समझनी पड़ेगी, और वो सिचुएशन को ध्यान में रख के वो अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली हम लोग जो टेक्निकल चीज़ें अपनी सेफ्टी की प्लस डॉग्स की सेफ्टी की, वाइल्ड रेस्क्यूइंग जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, या फिर कुछ टेक्निकल चीजें हो गई वो ट्रैकिंग वाली, या सेफ्टी बेल्ट हो गया, या फिर उसका मजल हो गया, बाकी कुछ चीजें हो गई, तो ये सब ध्यान में रखते हुए ही नीचे जाना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि हम लोग नीचे जा रहे हैं उसको बचाने के लिए, और हमको बचाने के लिए और 2 जनों को आना पड़े, तो ये चीजों के लिए एक मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ होना ज्यादा जरूरी है। कुएं में आदमी जा रहा है तो जितना डीप जाने वाला है तो उसको ऊपर आने के लिए उतना ज्यादा एनर्जी लगने वाला है। आप अगर 20 फीट से नीचे किसी जगह पे जा रहे हो और आपको 20 फीट ऊपर क्लाइंब करके आना है, तो आपका वेट डबल काउंट हो जाए। आपका वेट 50 है तो आपको 100 पकड़ के चलना है, कि आपको 100 वेट उठा के ऊपर आना है, क्योंकि डेप्थ में ग्रेविटी ज्यादा लगती है, तो वो चीज भी नोटिस करना चाहिए कि आपने कॉन्फिडेंस है कि हम लोग नीचे गए तो डोरी को पकड़ के ऊपर आएंगे, तो इतना पॉसिबल नहीं है। दोरी है वो स्विंग होने वाली है, फोल्ड होने वाली है, ऊपर से अपना सेल्फ वेट है, काफी सारी चीजें। सेल्फ वेट तब अपने को ज्यादा लगने लगता है जितना अपने को नॉर्मली ग्राउंड लेवल पे बिहेव, मतलब ग्राउंड लेवल पे फील नहीं होता, बट जैसा अपन डेप्थ में बढ़ गए तो वी कैन फील आवर ओन वेट हैवी, तो वो चीज भी मैटर करती है। देखा तरु, कितनी सारी चीजें हैं जो सिर्फ फोटोज और रील से पता नहीं चलती, बात करने से हाँ, पता चलती है, इसीलिए आज आशीष को बुलाया लाइव। इसीलिए हम लाइव सेशन करते हैं, क्योंकि जो पीछे की बिहाइंड द सीन्स जो होता है ना वो नहीं पता चल पाता, वो हमारी बातचीत से ही सामने आता है। तो वेरी बिल्कुल टेक्निकल, और ये बहुत ही क्रूशियल चीजें हैं जो एक रेस्क्यूअर को ध्यान रखनी ही चाहिए। अच्छा आशीष, बिल्कुल इफ वी टॉक अबाउट ये जो आपने प्लांटेशन किए, जो फॉरेस्ट लगाए हैं,
ये आपने डॉग रेस्क्यू करते करते आपको ये आइडिया आया, या आपने पहले ही कर दिया था ये? और मतलब इसके बारे में कुछ बताइए, बहुत ब्यूटीफुल है ये कॉन्सेप्ट। जो रीजन में मैं रहता हूँ ना, संभाजी नगर सिटी, तो संभाजी नगर सिटी कम्स अंडर मराठवाड़ा एंड इट इज़ अ ड्रॉट अफेक्टेड एरिया, कंप्लीट मराठवाड़ा। तो यहाँ पे पानी का इश्यू है, यहाँ पे सब ड्राइनेस ज़्यादा है एटमोसफेयर में। तो इसका रीज़न क्या है कि आप अगर हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कहीं रुकना है तो आपको झाड़ ढूंढना पड़ता है कि कहाँ झाड़ है और मैं छाव में रुक पाऊँ, नहीं तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू टेक अ पॉज। तो वो सब चीजें अगर बेसिक एकदम, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपको पानी पीने के लिए रुकना है, कुछ ब्रेक लेना है, तो वो मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि छाव ही नहीं है, तो रुकेंगे कहाँ पे आप? और हर जगह होटल नहीं होते, और होटल्स में वो जो फील नहीं आता, वो जो फील झाड़ के नीचे आपको 5 मिनट भी रुकेंगे तो बिल्कुल। उतनी एनर्जी मिलेगी आपको। तो अगर ऐसी छोटी छोटी चीजें कंसिडर करेंगे तो अपने बचपन में, अगर अब हम जो एरिया में रह रहे, सिंपल चीजें, अपने कॉलोनी में जब हम बचपन में थे तो कितने झाड़ दिखते थे अपने को, और विद द टाइम जो कंस्ट्रक्शन हुए, बिल्कुल डेवलपमेंट्स हुए, तो उसमें क्या क्या कट गया, क्या क्या बच गया, तो ये चीजें भी तो देखनी चाहिए ना। पहले बचपन में तो सब हर जगह पे रोड साइड झाड़ दिख रहा है, कहीं कॉर्नर कोई बड़ा चौक है तो वहां पे आजू बाजू झाड़ दिख रहा है, हाईवे के दोनों साइड पे बनियन ट्रीज दिख रहे हैं, बट अभी कहाँ गए वो? तो बिल्कुल कुछ तो रीजन है ना कि बारिश यहाँ पे नहीं आ रही है, सब ड्रॉट अफेक्टेड क्यों हो रहे, 8 8 10 10 दिन लोगों को पीने को पानी क्यों नहीं है, यहाँ पे बोरवेल को पानी क्यों नहीं है, ये उसके सोल्यूशन क्या है? तो ग्रीनरी यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे ड्राइनेस ग्रीनरी की वजह से कम है, ग्रीनरी नहीं है इसलिए ड्राइनेस बढ़ गया, ह्यूमिडिटी जीरो हो गई और एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ये वेजिटेशन से होगा, और वेजिटेशन मतलब प्लांटेशन, और जो अपने इंडियन नेटिव ट्रीज है वो इंडियन नेटिव ट्रीज अगर नहीं हो पा रहे ग्रो, तो फिर दैट डजेंट मैटर, आप झाड़ लगाओगे तो कोई भी झाड़ लगाओगे तो मतलब नहीं आता उसका, बट अगर आप इंडियन नेटिव ट्रीज इंडियन टेरेन में लगाते हो यस तो उसका इफेक्ट आपको डबल दिखेगा, क्योंकि ये झाड़ ये बिल्कुल कंडीशन में ग्रो होने के लिए ही बने। आप कहीं से बाहर से झाड़ ला रहे हो कोई एक्सोटिक जस्ट बिकॉज वो एस्थेटिकली अच्छा है, तो वो कुछ लॉजिकल नहीं है ना, वहाँ पे उस पर बिल्कुल बर्ड्स आके बैठेंगे ना उस पर कुछ बायोडाइवर्सिटी डेवलप होगी, बस वो एक फिजिकली झाड़ ऑक्सीजन जनरेट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेगा, बिल्कुल बट बिल्कुल हम बिल्कुल लोग सही इस सब पॉइंट चीज उठाया को आपने नहीं। आशीष, बिल्कुल सही। क्योंकि मैं जितना मुझे पता है, यूकेलिप्टस इज आल्सो अ फॉरनर प्लांट, ऑस्ट्रेलियन ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड है। हाँ ऑस्ट्रेलियन। तो ये भी ऐसे अपने इंडिया का नेटिव प्लांट नहीं है और इतना ज्यादा बेनिफिट देता नहीं है हमारे उसको, वो जमीन पूरी सॉरी बंजर बना देता है वो झाड़। बंजर बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये सब अपने को जो कितना क्रूशियल और बेसिक पॉइंट्स है, और इतनी छोटी सी एज में आशीष ने कितनी डेप्थ स्टडी की है इन चीजों को लेके। कितना मतलब ये एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मेरे हिसाब से ये, ठीक है, जो आज के डेट में लोग काफी अनअवेयर है इन सब चीजों से, छोटी छोटी मगर मोटी बातें टाइप की चीज है ये, लेकिन वो ये जो पिछले। इतना ज्यादा केयर नहीं करते ना उस चीज को लेके। यस चलो, अभी हमने बहुत सारी बातें की कॉज को लेके, अब थोड़ा सा आशीष को जान लेते हैं कि आशीष पर्सनली कैसे हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपके जितने फॉलोअर्स हैं उनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि चलो ठीक है थोड़ा जान लेते हैं आशीष को। तो मैं आपसे क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी आशीष, आपको फटाफट से हमारे सारे जवाब देने हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, हॉबीज, क्या क्या हॉबीज है आपकी अपार्ट फ्रॉम डॉग्स? डॉग तो है ही आपकी हॉबी सबसे बड़ी। हॉबीज इन द सेंस कि कुछ इनोवेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्लांटेशन या फिर डिजाइन। वाह, उसमें भी एक कॉज है, मतलब आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं, बिल्कुल कमिटेड, मैंने बिल्कुल सही लिखा था। चलिए सेकंड, आपका फेवरेट स्पोर्ट बताइए। फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट। क्रिकेट, सही है। अच्छा, ट्रैवल डेस्टिनेशन कहाँ जाना चाहेंगे आप? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं लोगों को मेरे सिटी में कैसे ला सकता हूँ,
मेरी सिटी ग्रीन करके। ओह माय गॉड, दिस आउट ऑफ द बॉक्स आंसर। वेल सेट। आपको एक वर्ड आप बहुत लोगों ने बोला होगा, आप एकदम देसी हैं, एकदम जमीन से जुड़े हुए। चलिए नेक्स्ट, आपके डॉग्स के नेम्स हैं, हर एक आपने डॉग का सबको नाम नाम दिया है? है। यस यस, हर एक डॉग का नाम है। हर एक डॉग का नाम है, वाह। कोई ऐसी स्टोरी किसी डॉग के नाम देने के पीछे जो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो, कि आपने कुछ सोच के दिया हो नाम? जितने भी मेरे डॉग्स आप इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे वीडियोस में हाइलाइट्स पे देखते, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी है और उससे रिलेटेड उसके उसका नामकरण हुआ है। जैसे चारू हो गया है, चैंप हो गया है, बाद में डिम्पू हो गया, चंगू बंगू, चुटकी वुटकी, तो ये सबके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव है। चुटकी वुटकी एक बहन एक भाई, एक आपकी चुटकी डॉग मोटी, पेपर में भी फीचर हुई थी, आर से शायद नाम है, मैं नाम भूल रही रागिनी, हूँ उसका, रागिनी। रागिनी, रागिनी, रागिनी। यस यस, उसका नाम रागिणी इसीलिए पड़ा था क्योंकि रागिणी एक मराठी वर्ड है और रागिणी मतलब मराठी में वॉरियर, कि एक फाइटर है वो एक रणरागिणी बोल के एक वर्ड है। रणरागिणी मतलब फीमेल फाइटर, कि जो कभी ओके, गिव अप नहीं करती और मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रांग है जो दैट्स वो। क्वाइट अ स्टोरी। हाँ, तो जो वो थी तो इसीलिए हम लोग ने उसका नाम रागिणी रखा था। और चुटकी परफेक्ट बुटकी आंसर दोनों मिला फ्रेंड्स तुमको हैं। हमारे क्वेश्चन को। हाँ, मैं बहुत क्यूरियस थी इस चीज को लेके, क्योंकि मैं अपने प्लांट्स का नाम किसी ना किसी वजह से रखती हूँ, तो जो पेरेंट होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ सोच के जरूर नाम रखते हैं, तो मेरे था थोड़ा सा कि मैं पूछूंगी। सो नाइस। ये तो आशीष, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि एज अ डॉग पेरेंट आपको सबसे अहम और सबसे खास बात क्या लगती है? डॉग्स की अपनी अपनी मतलब कि इस अपनी पूरी चीज में दोनों की बता दीजिए। देखो, आगे एज अ डॉग पेरेंट तो हमारा मेरा तो पर्सनली यही मोटिव रहता है कि मेरी साइड से उनको कोई कमी ना है। जैसे हर एक पेरेंट का अपने बच्चों के लिए रहता है कि उनको एजुकेशन अपनी वजह से या कोई लिमिटेशंस की वजह से रुकना नहीं चाहिए, या फिर एटलीस्ट मैं उसको सेटल देखना चाहता हूँ, सॉर्टेड उसका लाइफ देखना चाहता हूँ, फिर जिंदगी खत्म भी हो गई तो चलेगा वगैरह वगैरह। तो मेरा भी काइंड ऑफ वही मोटिव है कि टिपिकल पेरेंट की, कोई भी डॉग, मैं जब घर से बाहर निकलूँ और फिर से शाम को घर पे आऊँ तो वो टाइम कोई भी डॉग मेरे को ऐसा ना दिखे रोड पे कि जो विदाउट एनी रीजन सफर कर रहा है, या फिर वो ऑलरेडी काफी सफर कर चुका है और स्ट्रगल उसका लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए चल रहा है। तो यही मोटिव लेके मैं अगर घर से बाहर निकलता हूँ तो कोई डॉग भी दिखता है। तो आज सुबह की स्टोरीज देखो, आज मैं एक दोस्त को छोड़ने गया था स्टेशन, तो वो टाइम ही मुझे काफी डॉग्स दिखे। तो मेरा पास एक 15-20 किलो बैग रहती है हमेशा साथ में, तो एक 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 करके एक 5-50 डॉग्स वहां पे कवर हो गए मॉर्निंग को। तो उसको छोड़ के मैं घर पे आ रहा था, तब तक एक अराउंड 30-40 डॉग्स कवर हो गए फीडिंग उनका। तो ये कहीं ना कहीं उनका एक दिन का, आज का तो एटलीस्ट कम से कम आज का स्ट्रगल उनको खाने पीने का खत्म हो गया। तो ठीक है ना, हम लोग आज का ऐसा एक एक दिन का जहाँ जाते हैं वहाँ का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर पाए, टेरेन वो या फिर सिचुएशन हो, तो वो चीज काफी मैटर करती है। हम लोग के लिए वो 2 घंटे का एफर्ट है, बट वो लोग के लिए पूरे 24 आवर्स का सुकून है। उनको ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, रोड ट्रैवल करते टाइम एक्सीडेंट होने की चांसेस कम है, रिस्क कम है। तो ये सब चीजें, कुछ गलत खा लिया तो बीमार पड़ने का रिस्क भी नहीं है, अगर उनको ऑन टाइम खाना मिल गया अनएक्सपेक्टेड वे में, तो वो एक उनका 24 आवर्स का एक स्ट्रगल उतना कम हो गया, तो वो मैं मानता हूँ। वाह, ऐसा लग रहा है आप बस बोलते रहे और हम सुनते रहे।
नहीं पता है, बहुत बहुत जेन्युइन, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना इतना डीपली ये स्टडी कर चुके हैं ना डॉग्स को, मतलब इतना अच्छे से कि ये वो बोलते हैं ना कि अपने आप को उस कंडीशन पे रख के देखो तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या सफर कर रहे हैं। तो वो आशीष की बातों से Yes. सब पता चल रहा है उसी तरीके का। वही मैं बोल रही हूँ ना, जब एक डॉग स्माइल करता है आशीष के साथ तो यू कैन जस्ट रिलेट ऑल द थिंग्स कि नहीं कैसे ये कैसे हो पा रहा है. तो वो पिक्चर मुझे इतनी प्यारी लगी कि वो सब कुछ कह दे रही है. बिल्कुल। स्माइल से याद आया कि मतलब कुछ लोगों को ना ये झूठ लगता है, मतलब मैं भी एक एनिमल लवर हूँ, तुम भी एक एनिमल लवर हो सुरुचि, तो हमको पता है हमारे पेट स्माइल कर रहे हैं, अब उनका मूड खराब है, अब वो गुस्सा कर रहा है, तो ये हाँ तो कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं कि हाँ ये तो पागल हो गया है, इनको लगता है कि ये स्माइल भी करता है और हंस ये भी सब करता है। तो करते हैं ये करते हैं. गो एंड चेक आउट यस आशीष प्रोफाइल. बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आशीष, इफ गिवन अ चांस व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज इन द सोसाइटी? क्या आपको लगता है कि सोसाइटी में बदल दोगे आप? लॉ लॉ अगर चेंज होता है ना तो रूट से इश्यू सॉल्व हो सकते हैं काफी सारे. तो मेरा मेन मोटिव तो वही है, मेरे पास अथॉरिटी या पावर आ जाए, फाइनेंशियल या फिर पॉलिटिकल या फिर जैसे भी. तो मेरा मोटिव वही रहेगा कि मैं वो उसमें कुछ चेंजेस कर पाऊँ ताकि आने वाले जनरेशन्स की लाइफ इजी हो जाए. कौन से अभी पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो किस लॉ की बात कर रहे हैं आप, किस चीज से रिलेटेड? एक्चुअली जो लॉ है वो लॉ रह के भी लॉ का उसको कुछ ये नहीं है, मतलब एक राइट फॉर्म राइट है. एंटायरली हिज टॉपिक. हाँ हाँ, राइट तो जो राइट लॉज बने वो 1950 को बने, बट वो उसको अटेंशन ना करेक्ट मिलने की वजह से वो अपडेट नहीं हो पाए. बट डेफिनेटली बिल्कुल देर इज अ स्कोप ऑफ अमेंडमेंट एंड अपडेट ऑफ दैट लॉ. अमेंडमेंट. इवन कोविड के फर्स्ट वेव के टाइम जब पार्लियामेंट बंद होने से पहले जयपुर के दो एमपीज ने वो किया भी था, उन्होंने प्रपोजल दिया भी है कि नो मोर 50 के टी शर्ट्स वो लोग पहन के आए थे ब्लैक कलर के, और उन्होंने पूरा वो बिल पढ़ा और क्या हो रहा है स्टेट देश में वो सब उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और उसपे सबका एक साउंड में मतलब एग्री भी हुए सब. बट बाद में नेक्स्ट सेशन से पहले लॉकडाउन लग गया और वो अब तक फिर वो सॉर्ट नहीं हो पाए. तो पर वो आप तो चीज मुझे लग है. रहा है कि बहुत जल्दी पॉलिटिकल करियर आपका हमें देखने को मिलेगा. नहीं, नहीं. क्योंकि जब तक पावर नहीं है तब तक आप, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े लेवल पे, जैसा अभी आपने बोला कि लॉ नहीं, में जो चेंजेस और ये सब. जो लोग पावर में बैठे हैं ना वो लोग भी ये चीज के पीछे है. बट क्या होता है देखो कि गवर्नमेंट के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट के पास थाउजेंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड टाइम उसको परफॉर्म करने के लिए काफी लिमिटेड है. तो वो हर चीज को नहीं देख सकते. प्रैक्टिकली आप सोचो कि आपके पास राइट एक 50 चीजें आपको 2 घंटे में करनी है, तो एक इंसान कितना है और कहाँ कहाँ कर पाएगा. तो बिल्कुल एज एन गवर्नमेंट आप थोड़ा सोचो कि इवन वी आर सीएम और वी आर पीएम, वी कैन चेंज एवरीथिंग एंड एनीथिंग व्हिच एवरी कॉमन सिटीजन विश टू डू. बट वो लोग जो भी कर रहे हैं वो उनके लेवल पे बेस्ट दे रहे हैं, वो उनका पार्ट है, उनकी वर्किंग का पार्ट है. बट वी कैन ब्लेम एनीवन. अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो हम लोग क्यों ना ट्राई करते. हम बिल्कुल, लोग क्योंकि हाँ, वो लोग उनके लेवल पे देश तो बेस्ट कर रहे अपना हैं. ही है, क्योंकि ब्लेम करना ज्यादा इजी है, मेहनत नहीं हाँ, होती हम लोगों लोग से. क्या कर सकते हैं, वो लोग वहां पे पूरा सिस्टम उनका बैठा है ना, तो हम लोग एक उनको एक बोल सकते हैं ना, प्रपोजल दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा सीन है, आप पार्लियामेंट में जाके ये एक्सप्लेन करो या फिर ये प्रपोजल दो, फिर उसको और कुछ टेक्निकल चीजें वो लोग ऐड करेंगे उनकी तरफ से, उनका भी एक पूरा सेटअप रहता है. तो बट उन तक पहुंचना चाहिए जो अब तक पहुंच नहीं पाए है कोई, या फिर वो वर्कआउट नहीं हो बिल्कुल पाए, बट सूनर हो जाएगा शायद, टच वुड. हो मेरे जाएगा, आप ख्याल से हो ना, ऐसा आप सब होगा. कर दोगे. अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल. सच है बात. तो आशीष मूवीज भी देखते हो क्या आप? नहीं, मूवीज टाइम देखने को नहीं उतना ये नहीं, नहीं है ना, टाइम नहीं, भाग दौड़ बहुत रहती. क्योंकि महाराष्ट्र में मूवीज नहीं देखते, थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल है. तो कोई फेवरेट एक्टर भी नहीं है आपका? मैं अभी फेवरेट नॉन फेवरेट ऐसा बोलने से अच्छा कि अभी इंसान तो सब अच्छे ही है,
तो उसमें अपना हाँ फेवरेट, फिर अपना जो ना पसंद, पसंद आई तो ना पसंद भी आई, तो इससे अच्छा सबको ही पसंद करो तो ना पसंद का कोई चांस ही नहीं रहेगा, सब अपने ही पसंद रखेंगे। ये ये आपने ट्रू पॉलिटिशियन वाली बात कर दी, ये वाली सीरियसली। आपसे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है, बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन अगर मैं बात करूं आपकी इंस्पिरेशन कौन है तो क्या जवाब होगा आपका? जो भी एनिमल्स आप रोड पे देखते हो या फिर कोई केज में देखते हो या फिर कोई जू में देखते हो, तो उनको देख के आपको जो पहला थॉट आता है तो वो थॉट को आपको आगे लेके चलना है, तो वो चीज आपको काफी इंस्पायर करेगी गो ऑन करने के लिए आगे, एक एक स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा काफी पर्सनल है, ठीक है आशीष? यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, बबली पर्सनालिटी, इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो क्या सिंगल हो या गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं, सिंगल ही हूँ मैं, नहीं सिंगल ही अच्छा रहना है मेरे को है, मूवी। ये बात अरे जोर वाह, जोर से बता दी जाए, नहीं है, सिंगल है आशीष। ओके, ये क्वेश्चन हमारे हाँ हमको डीएम में आया था तो इसको हमने इंक्लूड करना जरूरी आशीष समझा। इज वेरी मच सिंगल गर्ल आउट देयर, गो फॉर इट। चलो अब नेक्स्ट सेगमेंट में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट। ओके, अभी हम फॉलोअर्स के क्वेश्चंस ले रहे हैं, आप जितने भी क्वेश्चन है आप अपने पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था तो सबसे पहले मैं वो ले लेती हूँ, आर यू वीगन? आप वीगन हैं क्या आशीष? नहीं, अब तक तो वीगन नहीं हूँ, बट एनिमल बाय प्रोडक्ट्स जो है जैसे लेदर हो गया, बाकी चीजें हो गई, तो वो कंजम्पशन मेरा जीरो है बिल्कुल। बस कभी कभी तो अच्छा। आप देखो, कभी मीटिंग्स में बैठा है आदमी तो हम लोग कुछ चीजें डिनाई नहीं कर सकते, वो एक डिसरिस्पेक्ट से होता है सामने वाले को। अगर सामने वाले कोई चाय प्रेफर कर रहा है तो वी कैन आर्ग्यू कि मुझे ग्रीन टी लेता, तो वो एक अलग बात हो जाती है। आप एमपी के सामने बैठे हो या फिर कोई एमएलए के साथ बैठे हो या फिर कोई बड़ा अथॉरिटी वाला पर्सन है, तो फिर दैट टाइम हम लोग ना नहीं भी बोला तो एक डिसरिस्पेक्टफुल वो मैसेज जाता है सामने वाले को कि आप आईएएस के ऑफिस में बैठे हो और आप बोल रहे हो कि नहीं मैं चाय नहीं लेता, वो मन के मन में बोलेंगे कि बहुत बड़ा हो गया, तो ये बात नहीं होती है अच्छा, ये ना। तो डेयरी तो प्रोडक्ट की बात हो गई। आर यू यस, वेजिटेरियन? डेफिनेटली आई एम 100% प्योर वेजिटेरियन, बस डेयरी प्रोडक्ट का कंजम्पशन है इसीलिए थोड़ा दिल को ये नहीं रहते सुकून की कहीं सेम ना कहीं सेम गड़बड़ सेम, हो रहा है, बट राइट डेफिनेटली राइट। सुनर वीगन भी हो जाएंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो हाँ, जाएगा एक बार। तो बचपन से बिल्कुल वेजिटेरियन हो, आपकी 100%। टर्न। आई एम फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली, तो हमारा पूरा बैकग्राउंड ही प्योर वेज से ही आ रहा है और वैसे ही आगे जा ओके, रहा है। आप भी उस थ्योरी में बिलीव करते हैं, इफ यू आर एन एनिमल लवर यू कांट ईट एनिमल? डेफिनेटली डेफिनेटली, इवन एनिमल लवर भी नहीं होंगे ना, और एनिमल कोई खा रहा भी है, तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंस्टेड ऑफ जजिंग एनीवन एज अ नॉन वेजिटेरियन है तो ये एनिमल लवर नहीं है या फिर ये निगेटिव इंसान है, ये थोड़ा मैं नहीं मानता। क्या है कि कोई आदमी नॉन वेजिटेरियन है तो पर्पसफुली ये नहीं करता ना, ये जो चिकन है मेरे को ये कट करके दो, या फिर ये पर्टिकुलर ये बहुत चल रहा है 2 दिन से मैं देख रहा हूँ इसे, ये गोट को इसे कट करके बना दो मेरे को खाने का, तो ऐसा तो कोई पर्टिकुलरली इंसान मैं नहीं सोचता कि अपने देश में या कहीं वर्ल्ड में होगा। जो नॉन वेजिटेरियन है तो वो बाय चॉइस है, या फिर वो लोग कुछ ना कुछ उनका मेडिकल रीजन रह सकता है या फिर फैमिली बैकग्राउंड रह सकता है या फिर खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है, घर पे खाना बन रहा है, आप बोले मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं खाऊंगा, घर वाले बोलेंगे भूखा सो जाए, तो ऐसी चीजें हो सकती है। तो इंस्टेड ऑफ जजिंग पीपल वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन एज एनिमल लवर एंड एनिमल हेटर, तो ऐसा नहीं चाहिए, हर एक का अपना अपना चॉइस है। तो अगर इवन इफ कोई आप इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हो एंड कोई नॉन वेजिटेरियन आदमी है, आपको कोई आदमी ने बचाया और आपने उसको, आप अगर इमेजिन करो आप कहीं खाई से नीचे गिर रहे हो, आपने कोई पत्थर को पकड़ के रखा है और जो आदमी आपको रेस्क्यू करना है, तो आप उसको पूछोगे क्या क्या आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन होंगे तो मैं ऊपर आऊंगा, नहीं तो मुझे यहीं से छोड़ दो नीचे।
जब बात अपने पे आती है तो फिर सब आदमी भूल जाता है। तो अगर हमें हाँ किसी की जान बचा रहा है तो, या फिर किसी की हेल्प कर रहा है, तो उसे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन से कभी भी जज नहीं करना चाहिए। वो उसका पर्सनल चॉइस है, वो उसका पर्सनल मतलब क्या बोल सकते हैं, डिसीजन है, पर्सनल डिसीजन है। हाँ बट उसका मतलब ये नहीं सही कि वो आदमी गलत हो सकता है या फिर वो आदमी हाँ बुरा है। अभी मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो नॉन वेज का कंजम्पशन करते हैं, बट वो कभी भी मैं कॉल करता हूँ तो कभी भी मेरे साथ आते हैं, या फिर वो खुद ऐसी कोई सिचुएशन देखते हैं तो खुद खुद के बारे में नहीं सोचते, वो पहले वो जानवर के बारे में सोच के उसको हेल्प कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट। तो ये चीज सच में मैटर करती है क्या, कि नॉन वेजिटेरियन है तो आदमी जानवर को नहीं बचाएगा, या फिर इसके दिमाग में वही होगा। मेरा पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि वेजिटेरियन तो एनिमल लवर, नॉन वेजिटेरियन तो एनिमल लवर नहीं हो सकता, इज कम्प्लीटली रॉन्ग थिंग। राइट ओके तो आशीष आर्यमन पूछ रहे हैं कि क्या डॉग्स को चॉकलेट खिला सकते हैं? नहीं, इट्स अ स्लो पॉइजन फॉर देम। नो पॉइजन, सो डोंट फीड चॉकलेट टू योर डॉग. ओके नेक्स्ट मेरा सवाल है कि क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि ये सब करके क्या होगा? रिश्तेदार बोलते हैं कि अपना टाइम खराब मत करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब आपने सुना होगा. क्योंकि कोई अगर लीक से हटके और एक जो हमारा पाथवे बना दिया है सोसाइटी ने कि आपको ऐसे ही चलना है, उससे हटके कुछ भी करता है तो उसको कुछ ना कुछ सुनने को जरूर मिलता है. क्रिटिसिज्म को आप कैसे हैंडल करते हैं? आप कभी मेरे आजू बाजू रिश्तेदार नहीं देखेंगे, क्योंकि किसी का जवाब देना ये तो ये एक बहुत ही बेस्ट अच्छी चीज सीखने मिलेगी आपसे. ये कैसे किया आपने, बताओ. है. हाँ ये प्लीज हमें भी ये करना है. ये कैसे होगा? आपको कोई मोटिव लेके आगे जाना है ना, तो आपको पहले अपोज करने वाला आदमी रहेगा तो अपना रिश्तेदार रहेगा। तो अगर आपको कुछ करना है, आगे जाना है लाइफ में, कुछ डिफरेंट करना है, या फिर जो भी कर रहे हैं वहां में आगे जाना है, तो पहले वो लोग को बाजू में रखना पड़ेगा। एक तो फिर जो वो लोग बोल रहे हैं वही सुनो, या फिर कुछ अपना करो, और अपना भी बिल्कुल करना है उनका भी सुनना है। तो एक टाइम हम लोग दो पत्थर पे पैर रख के आगे नहीं जा सकते ना, तो किसी ना किसी को हम लोग को साइड में करना पड़ेगा। और मैं पहले सोचा था 10th से, तो सबको पहले से ही साइड में किया है। तो अभी मेरे रिश्तेदार लोगों के जो आगे का जनरेशन है, वो लोग को मालूम नहीं कि मेरे मम्मी पापा को दो बेटे हैं, उनको लगता है कि मेरा बड़ा भाई। तो विच इज गुड थिंग फॉर मी एक्चुअली, क्योंकि मुझे उतना डिस्टरबेंस नहीं होता फिर। आप अपना पर्सनल स्पेस मिल गया है ना, आप उसमें खुश हो. नेक्स्ट लेवल आंसर दिया है. अभी तक मैंने आंसर सुने थे, ओके हमने ब्लॉक कर दिया, हमने रिप्लाई हाँ, नहीं नहीं, किया, ब्लॉक करके हम लोग इग्नोर. फिर तो ये करना है, ब्लॉक करके हम लोग बुरे बन जाएंगे ना। उनको पता ही नहीं है कि आशीष भी है अभी. कौन है आशीष? उनको आपको क्या पता हो लगता या ना हो, दुनिया को पता है आशीष जोशी है. ये स्वैग वाला आंसर था. वाह. बिल्कुल, वेरी इंस्पिरेशनल. हम मैं मेरे को बहुत शिक्षा मिली इस वाले आंसर से. चलो आज के बाद अब किसी रिलेटिव से बात नहीं करने वाली है, लग रहा तो यस. यस, मेरा नेटवर्क चला गया था. तो यस, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आशीष कि जो आजकल का यूथ है ना, इसी चीज को लेके बोलूंगी कि द यूथ इज वेरी हैप्पी इन देयर ओन पर्सनल स्पेस. एक रेस है, उसमें दौड़े जा रहे हैं. यूथ भी बोलूंगी, बाकी लोग भी बोलूंगी, ये आसपास की जितनी भी चीजें हैं इनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सेंसिटिविटी कम हो गई है. तो स्पेशली अगर यूथ को टारगेट करें तो हाउ डू यू थिंक दे शुड बैलेंस देयर प्रोफेशनलिज्म एंड ह्यूमैनिटी इन द सोसाइटी? देखो, क्या होता है कि ह्यूमैनिटी सब में होती है, बचपन से होती है, बट हम लोग क्या करते हैं, रिलीजन बीच में डाल देते हैं, कास्ट बीच में डाल देते हैं। बच्चा जब छोटा रहता है ना, तो वो कभी भी कुत्ते को या फिर कोई जानवर को खुद से पत्थर नहीं मारता, जब तक वो किसी को देखता नहीं है अपने माँ बाप को कि वो लोग पत्थर मार रहे हैं, वो लोग उसको भगा रहे, डंडा दिखा रहे। तो वो चीज हम लोग मतलब ध्यान रखना चाहिए। हमारे आजू बाजू कोई छोटा बच्चा है, या फिर अपने घर में भी छोटा कोई बच्चा है, तो घर वालों से हम लोग उल्टी बात कर रहे हैं, वो बच्चा सामने देख रहा है, या फिर हम लोग के छोटे बच्चे के सामने कोई भी इनसेंसिटिव चीज है, या फिर
अनप्रोफेशनल चीजें करते हैं, क्योंकि डॉग को भगाना, कोई जानवर अपने दरवाजे पे आया है तो उसको वैसे ही इग्नोर करना, तो बच्चा आगे जाके क्या करने वाला है? आप बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चा बहुत महान आदमी बने, और तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो गलत जा रहा है ना। हम लोग एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं, खुद खुद के इसमें आजकल के जो बच्चे हैं ना, तो वो एक्शन ज्यादा देखते हैं, इससे राइट, थॉट से ज्यादा या फिर सजेशन से ज्यादा एक्शन पे ज्यादा बिलीव करते हैं। कॉपी करते हैं। हाँ, तो पापा बोलेंगे कि मोबाइल मत खेल बेटा, खाना खा ले, और खाना खाते टाइम पापा ही खुद मोबाइल पे बात करेंगे या फिर फोन देखते बैठेंगे, तो फिर वो चीज सीरियसनेस नहीं रहेगा वो चीज को, एक जनरल एग्जाम्पल। तो ये चीजें काफी मैटर करती है, हम भले ही पेरेंट ना हो, हम खुद जो अपने आजू बाजू के छोटे बच्चे, तो उनको ये सब चीजों में इन्वॉल्व तो कर सकते हैं ना, कि एटलीस्ट बिल्कुल ये करो वो करो, या फिर एटलीस्ट हमको कुछ उनको नहीं भी बोले तो वो लोग देखते रहते, ऑब्जर्व करते रहे, छोटा बच्चा कॉन्शियस रहता है तो हर चीज नोटिस करता है जो उसके आजू बाजू में, तो वो जो बचपन में चीजें देखता है तो लाइफ में वही चीजें वो आगे फॉलो करता है, और लाइफ लॉन्ग उसके दिमाग में वो चीजें रहती है। तो जो छोटे बिल्कुल बच्चों का जो इम्पैक्ट है, तो वो जितना क्लीन रहे, न्यूट्रल रहे, तो वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, बहुत बहुत ही अच्छी अपब्रिंगिंग और मैटर्स, पावरफुल बात है। अपब्रिंगिंग मैटर्स, सीरियसली जो बचपन से बच्चा देखेगा, आपको ये बात एकदम ट्रू है कि ह्यूमैनिटी सब में होती है, उसको बचपन से ही आपको एक लीड देनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा। अगर आपके दरवाजे पे कोई डॉगी, कोई जानवर आ रहा है, आप उसको इनसेंसिटिवली बिहेव कर रहे हो, तो आपका बच्चा वही सीखेगा, वो भी कल को डेफिनेट बड़े होके ही सीखेगा, उसका आगे बच्चा भी यही सीखेगा। और अगर बचपन से ही आपने उसको रोटी खिलाना सिखा दिया, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ही रहेगा, वो केयर उस चीज के प्रति रहेगी। बहुत ब्यूटीफुल सिंपल आंसर। बात है ना। आप एक सिंपल बात नोटिस करो, कोई स्कूल आपका, आप कौन से स्कूल में थे, आपको भी नोटिस किया कि आपके पूरे स्कूल लाइफ में कभी आपकी ट्रिप गई है रेस्क्यू सेंटर, शेल्टर, नो इंस्टेड ऑफ गोइंग नो जू, जू में गई है क्या कभी? हाँ, जू में डेफिनेटली गई। तो क्या है, हम लोग बच्चों को क्या सिखा रहे हैं जू में भेज के, कि शेर को बिल्कुल देखना है बिल्कुल तो पिंजरे में जाओ, शेर को देखना है तो जू में जाओ, हिरन को देखना है तो जू में जाओ, इंस्टेड ऑफ उनको वो टीच करना कि शेर देखना है तो जू में जाने का, शेर देखना है तो वो तो केज में रहता है, इंस्टेड ऑफ उनको वो सब दिखाना निगेटिविटी, तो उससे अच्छा हम लोग उनको ये दिखाना है कि हम लोग ने क्या करके रखा है, कि कौन सा जानवर पे कैसा क्रुएलिटी हुआ है, या फिर कौन गाड़ी के नीचे गया है, बिल्कुल बिल्कुल एटलीस्ट वो बड़ा होके जब गाड़ी चलाएगा, लाइसेंस के लिए अपेयर करेगा, तो वो सोचेगा कि अपने गाड़ी के नीचे कोई जानवर गलती से भी नहीं आना चाहिए, जब वो देखेगा कि आशीष, कोई डॉग का पैर टूट गया है रेस्क्यू सेंटर में, तो झूमे में लेके जाके आप दिखाना क्या चाहते हो बच्चे को? बिल्कुल आशीष, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपके पेरेंट्स भी इतना ही प्राउड फील करते होंगे, एंड आई एम सो थैंकफुल उनकी पेरेंटिंग के लिए और आप जैसा बच्चा इस दुनिया को देने के लिए। सीरियसली बिल्कुल। बहुत बहुत थैंक यू उनका। और अभी नितेश एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम सिंपल वे में लोगों को एनिमल क्रुएलिटी के लिए कैसे अवॉइड कर सकते हैं। उसका आंसर आई गेस दे दिया है आशीष ने, नितेश को उनका आंसर मिल गया होगा। वो विधि पूछ रहे हैं, व्हाट डज वन हैव टू डू टू ज्वाइन आशीष सर फॉर दिस कॉज? कैसे ज्वाइन कर सकता है कोई आपको? अभी ज्वाइन का, अभी आप जो एरिया में रहते हो वो लोकेलिटी में आप कुछ ना कुछ काम चालू कर दो, ऑटोमेटिकली आप ज्वाइन हो जाओगे मिशन में, क्योंकि अपना मिशन तो बिल्कुल। यही है ना, और ये लोग की लाइफ सेफ सेफ करना और इजी करना। बिल्कुल, और आप तो है ही हमेशा हेल्प करने के लिए, तो आप डीएम यही कर मेरा सकते हैं, मैटर है। मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे भी गाइडेंस चाहते हैं तो आशीष आपको हमेशा गाइड करेंगे। आशीष, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ के लिए, क्योंकि यूथ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंट्री का, किसी भी सोसाइटी का। तो आप अपने जैसे नौजवानों को क्या बोलना चाहेंगे कि नहीं, अभी आप थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दीजिए, क्या मैसेज रहेगा आपका? देखो, यूथ को बोलते कुछ मतलब नहीं है, जो बचपन में वो जो सीखे वही वो आगे करने वाले हैं, और यहाँ पे हम लोग कुछ बोलेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है उनको, तो जो चल रहा है उनकी जिंदगी में वो वैसे ही खुश है,
तो उनसे अच्छा कि उनके आने वाली जनरेशन को हम लोग थोड़ा कॉन्शियस और सेंसिटिव वे में अपब्रिंगिंग करेंगे ना उनके, तो वो ज्यादा बेहतर है। आने वाली ये यंग जनरेशन को ये अपन बोल सकते हैं कि उनके आगे आने वाली जनरेशन या फिर उनके जो कांटेक्ट में जो नेक्स्ट जनरेशन है, तो वो थोड़ा कॉन्शियस वे में विद रिस्पेक्ट टू नेचर, विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स, थोड़ा सा सेंसिटिव वे में सोचेंगे। छोटी छोटी चीजें काफी मैटर करती है, तो वो ज्यादा बेहतर है। यंग जनरेशन को बोल के मतलब नहीं, यंग जनरेशन का हो गया है बेटा। आपके ना मैं सुन के थोड़ा सा एक बार को तो ऐसा लगता है यस ही इज सेइंग करेक्टली, आई मीन यही है एक्चुअली, यही है। कड़वा है लेकिन क्यों, सच है, कड़वा सच है। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं, आप उन्हें जैसा शेप अप करेंगे वो वैसा ही शेप हो जाएंगे। जब आप टीनेज क्रॉस कर लेते हैं तब आपको आपकी आदतें बदलना, आपको पूरा अपब्रिंगिंग देना बहुत मुश्किल है। फिर इंसान तभी बदलता है जब वो खुद बदलना चाहता है, उससे पहले उसके माँ बाप उसको जो सिखाते हैं वो वैसा सीख लेता है। सिंपल चीज है ना, 10 दिन 3 दिन मोबाइल साइड में रख के देखो, आदमी जी सकता है। चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, नहीं हो सकता नहीं तो फिर बोल के मतलब क्या बिल्कुल है ये मैसेज वो मैसेज। उससे अच्छा उनको आगे वाले जनरेशन को कंसिडर करने के लिए बोलेंगे, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। हमारा तो हो गया, वाह एटलीस्ट आने वाले जनरेशन को तो कुछ अच्छा दे के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कितना कितना लर्निंग आज प्रोवाइड किया आशीष ने, कितना कुछ सीखा हमने आशीष से प्लांट्स के बारे में, बिल्कुल एनिमल सेंसिटिविटी के बारे में। आशीष आज का सेशन बहुत इंस्पायरिंग था एंड फॉलोअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप ये मैसेज दूर दूर तक जाए, दूर दूर तक लोग जो है वो थोड़े सेंसिटिव हों अपने आसपास की चीजों को लेके, फ्लोरा एंड फौना को लेके। तो आशीष हमें आपके साथ आज बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी बातें हमको बताई, बहुत सारी नई चीजें सिखाई। आपको हमारे साथ आज कैसा लगा इस लाइव सेशन पे आके? अरे डेफिनेटली, जब ऐसा कुछ कोई इंटरेक्शन होता है ना, तो 4 चीजें मुझे भी नोटिस करने मिलती है, ऑब्जर्व करने मिलती है। उससे हम लोग और कुछ खुद को कैसे डेवलप कर सकते हैं, या फिर कहीं हम लोग कमी महसूस कर रहे हैं, या फिर कहीं कुछ डिफिकल्टी आ रहा है तो उससे कैसा टैकल कर सकते हैं। मेन मेरा इश्यू क्या होता है कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल में बहुत गड़बड़ हो जाता है, मेरा हिंदी मराठी अरे मिक्स हो जाता है, तो वो चीजें मैं काफी कैसे, अभी धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूँ। नहीं, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है और बहुत टू ही द पॉइंट परफेक्ट है है, टू द पॉइंट है, करेक्ट, टू द पॉइंट है। ना ज्यादा बोलना ना कम बोलना, जो मैसेज है सटीक वो मैसेज आप पहुंचा देते हैं। नहीं, हमें आज बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला आशीष, लिव इन द मोमेंट। और हमें अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, रादर देन यूथ हम कैसे एनिमल को और ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करा सकते हैं, उनकी लाइफ में कैसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि रास्ते में हम कैसे उनको फीड करा सकते हैं, तो उनका पूरा एक दिन का स्ट्रगल जो है हम कम कर सकता है। ये वो छोटी छोटी बातें थी जो हमने आज सीखी, मैंने और तनु ने। हम आगे भी इन बातों का ध्यान रखेंगे। आई एम श्योर ये जो पूरा लाइव है, इस लाइव ने लोगों को बहुत कुछ सीखने को दिया होगा, इंस्पिरेशन मिली होगी, मोटिवेशन दिया होगा, क्योंकि आप इतने अच्छे हैं, आपका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि लोग अगर उसका 1% भी सीख ले तो शायद एनिमल्स की लाइफ पूरी चेंज कर सकते हैं। एटलीस्ट अपने अपने कम्युनिटी के आसपास तो कर ही सकते हैं। और प्लांटेशन के लिए आप जो कर रहे हैं वो बहुत बहुत अमेजिंग है। हमें आज बहुत अच्छा लगा आशीष, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम बेसिकली, क्योंकि ये मौके बहुत कम आते हैं जब हम ऐसे सामने बैठ के आपसे अपने मन की बात पूछ सकते हैं और हमारे व्यूवर्स आपको सुन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और व्यूवर्स, आप एंड तक जुड़े रहे उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा लाइव आप देख पाएंगे मेरे IGTV सेक्शन में, और इसको हम YouTube पे भी शेयर करेंगे, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है प्लीज ये मत सोचिएगा कि हमने कुछ मिस कर दिया है। इसका फर्स्ट पार्ट भी मैंने सेव किया है और ये सेकंड पार्ट भी सेव कर दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं, आशीष को सुन सकते हैं, उनकी प्यारी प्यारी बातें सुन सकते हैं। जब भी आशीष से बात करने का मन हो आप IGTV सेक्शन जाके और देख सकते हैं। यहाँ पे अभी एक कमेंट आया, आई एम रियली
योर इंस्पिरेशन टू सेव द एनिमल्स. अफकोर्स ही इज ट्रूली एन इंस्पिरेशन. आशीष बहुत अच्छा सेशन रहा और आपने बहुत टू द पॉइंट आंसर दिए हैं. मैं बोलूंगी कि फैबुलस, मजा आ गया. एंड आशीष इज सिंगल, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू एवरीवन. अब आशीष के डीएम फ्लडेड होने वाले, बहुत सारे मैसेज आने वाले आशीष को. द ब्लश मूवमेंट, द ब्लश मूवमेंट. ओके, चलिए आशीष, आगे भी हम आपसे बातें करते रहेंगे, आपको बुलाएंगे लाइव सेशन के लिए और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम आप जैसे ही हस्ती को बार बार अपने शो पर बुलाते हैं, उनसे लाइव बातें करते हैं. फॉलोवर्स, गो एंड चेक आउट आर IGTV सेक्शन, यू विल फाइंड लॉट ऑफ इंस्पिरेशन देयर. थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Good night.